नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री एंड मिथ के लेटेस्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। हर रोज़ दुनिया में मनुष्य का किसी न किसी रहस्य से सामना होता रहता है। कुछ रहस्य सुलझ जाते हैं और कुछ बन जाते हैं हमेशा के लिए अनसुलझे रहस्य। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में। पटोम्स्की कार्टर। सन 1949 में वाल्दमिन कोलपाकोव नाम के जियोलॉजिस्ट साइबेरिया की धरती पर अध्ययन करने आए हुए थे, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें फायर ईगल नेस्ट यानी आग उगलते घोंसले के बारे में सावधान किया और उन्हें सलाह दी कि वो उनके पास ना जाएं। ये जगह वहाँ के घने जंगल में मौजूद थी। गाँव वालों का कहना था कि वह जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते, या फिर अगर लौटते भी है तो बहुत बीमार हालत में मिलते हैं। यह जगह इतनी भयानक है कि जंगल के जानवर भी उसके पास नहीं भटकते। लोगों के चेतावनी देने के बावजूद वाल्दमिन वहां गए और उन्होंने देखा कि उस जगह तो एक बहुत बड़ा खड्डा है जिसका मुंह एक ज्वालामुखी की तरह दिखता है, जिसकी ऊंचाई करीब 25 माले ऊंची इमारत जितनी थी। वाल्दमिन के अनुमान के मुताबिक ये खड्डा 250 साल पुराना हो सकता है। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इसके चारों ओर जो पेड़ थे उनका विकास दूसरे पेड़ों से कई गुना ज़्यादा हुआ था। ठीक ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ रूस के चेर्नोबिल में भी पाए गए, जहां न्यूक्लियर हादसा हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि ये खड्डा किसी उल्का के गिरने से बना होगा, लेकिन किसी भी रिसर्चर ने उल्का गिरने का कोई जिक्र नहीं किया। पर कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह एलियंस का अड्डा है। हैसडलिन लाइट्स। नॉर्वे का हैसडलिन बहुत ही रहस्यमय स्थान है। यहाँ आकाश में अजीब और रहस्यमय रोशनी दिखना कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो वहाँ 19वीं सदी से होता आ रहा है। आसमान में अचानक दिखने वाली ये रोशनी सफ़ेद, लाल, पीले या नीले रंग में होती है। ये रहस्यमय रोशनी कभी धरती की तरफ आती नज़र आती है तो कभी आसमान में ही कुछ दूर चमक कर गायब हो जाती है। कई बार ये रहस्यमय रोशनी अलग अलग आकार में दिखती है, जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल या पिरामिड के आकार में, जिन्हें लोग एलियन का स्पेसक्राफ्ट मानते हैं। पहली बार इन्हें 1811 में देखा गया था और 1980 के दशक में ये अद्भुत नज़ारा आम हो गया, जो कभी कभी एक हफ्ते में 20 बार भी देखा गया है। बहुत सारी खोज करने के बावजूद भी साइंटिस्ट आज तक इस रहस्यमय रोशनी का असली कारण नहीं जान पाए हैं। कोई कहते हैं कि ये आयोनाइज डस्ट की वजह से होता है और कोई कहते हैं ये एलियंस के स्पेसक्राफ्ट है। कई सालों की कोशिश के बाद भी ये किस्सा रहस्यमय बना हुआ है। कैरल ए डेरिंग। 1921 जनवरी 31 को कैरल ए डेरिंग नाम का एक जहाज़ डायमंड्स कॉल नाम के तट पर खड़ा हुआ था। यह तट नॉर्थ कैरोलिना में है। इस तट की एक खासियत है, अक्सर यहाँ पर खड़े जहाज़ समंदर की तेज लहरों और तूफानों की वजह से टूट जाते हैं। खराब मौसम के कारण कोई भी इस जहाज को बचाने नहीं जा सका, पर चार दिनों के बाद जब तूफान शांत हुआ तब कोस्ट गार्ड वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस जगह पर कोई मौजूद नहीं है। लोगों के साथ साथ उनका सामान, यहां तक कि दो लाइफ बोट भी गायब थी। इस जहाज का कोई भी क्रू मेंबर आज तक नहीं लौटा। उसी वर्ष नॉर्थ कैरोलिना के बीच में एक बॉटल मिली जिसमें एक संदेश था और उसमें लिखा था कि डेरिंग पर हमला हुआ है, सभी को बंदी बना लिया गया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। जिसे भी यह संदेश मिले कृपया हेडक्वार्टर्स को सूचना दे। जांच करने पर पता चला कि यह बोतल ब्राज़ील में बनी हुई थी। ये जहाज भी ब्राज़ील से ही रवाना हुआ था। जब चिट्ठी क्रू मेंबर्स के परिवार को दिखाई गई तब पता चला कि ये चिट्ठी उस जहाज के इंजीनियर की है। कई लोगों का मानना है कि इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, पर इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसे कोई अद्भुत शक्ति ने इस जहाज का ये हाल किया होगा। आज इस घटना को तकरीबन 100 साल होने आ रहे हैं, पर उन क्रू मेंबर्स का क्या हुआ ये आज भी रहस्य बना हुआ है। KIC 8462852। साल 2015 में अंतरिक्ष में एक रहस्यमय वस्तु दिखाई दी जो बहुत ही अजीब तरीके से धुंधली और उज्जवल हो रही थी। इस रहस्यमय वस्तु को KIC 8462852 नाम दिया गया।
19 मई 2017 को दुनिया के सभी शोधकर्ताओं को सूचना मिली कि वह इस वस्तु को तुरंत देखें, क्योंकि ये वस्तु कुछ अजीब तरीके से अगले 3 दिन तक धुंधलाती गई, जो पहले कभी नहीं हुआ था। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह कोई उल्कापिंड की बारिश होने की वजह से हुआ होगा, या फिर उस तारे की चुंबकीय क्षेत्र में हुए तीव्र परिणाम की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस ने आधुनिक मशीन बनाई है जिसे वह तारों की शक्ति को अपने उपयोग के लिए जमा करते हैं। इस तारे की बर्ताव अन्य तारों की तरह एक पैटर्न में नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका रहस्य और भी पेचीदा हो गया है। आजकल लोगों का हर घटना को एलियन से जोड़कर देखना एक आदत सी बन गई है, लेकिन सच क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। द टॉक्सिक लेडी। साल 1994 में ग्लोरिया रमेज नाम की एक औरत को कैलिफोर्निया के रिवरसाइड हॉस्पिटल में इमरजेंसी हालात में लाया गया। प्राथमिक जांच करने वाले डॉक्टरों ने देखा कि इस महिला के मुंह से लहसुन जैसी गंध आ रही थी, और जिस नर्स ने इसका खून जांचने के लिए निकाला उस नर्स को उसके खून से अमोनिया जैसी गंध आ रही थी। तभी अचानक उसके शरीर से सफेद रंग की धारा बहने लगी जहां उस नर्स ने सुई चुबाई थी। इस भयानक नजारे को देखकर अस्पताल के 2 कर्मचारी वहीं बेहोश हो गए और पूरे कमरे को तुरंत खाली कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे 23 लोग इस घटना से बीमार पड़े और 5 को हॉस्पिटल में दाखिल भी करना पड़ा। ग्लोरिया रमेश तो सिर्फ 45 मिनट तक ही जिंदा थी, लेकिन उस दिन जो भी उस कमरे में हुआ वो आज भी रहस्य बना हुआ है। मरने के बाद रमेश के पोस्टमार्टम में पता चला कि वह एक बहुत खतरनाक डीमेथाइल सल्फोक्साइड नाम की पेन किलर ले रही थी। अगर मान लिया जाए कि रमेश के साथ हुआ हादसा इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन इस घटना के बाद जो इतने सारे लोग बीमार हुए उसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।